भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब कोई तर्क नहीं होता तो वो विपक्ष के नेताओं को गाली क्यों देने लगते हैं। आपके स्क्रीन पर गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के डीएनए पर सवाल कर दिया है। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से 8 साल पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे उस वक्त प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था। नतीजा आप भी जानते हैं क्या हुआ था 8 साल पहले। अब तेजस्वी यादव के डीएनए पर सवाल उठाते हुए गिरिराज सिंह कहते हैं कि इनका तो चोरी वाला डीएनए है, लूट खसूट वाला डीएनए है। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, कुछ देर बाद बताएंगे, मगर आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी हर गुजरते दिन के साथ क्यों बौखला रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव रोज जनता से रूबरू हो रहे हैं और जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही है वो अप्रत्याशित है। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उन्होंने ये पोस्ट किया है, पहले वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर वो 50 सेकंड का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें तेजस्वी यादव को प्रतिक्रिया मिल रही है और भाजपा इसी वजह से बौखलाई हुई है। आपके स्क्रीन पर रात 2 बजे अभी सुपौल पहुंचे हैं, रास्ते भर देर रात आप जागकर जो इतना स्नेह समर्थन सहयोग आशीर्वाद और विश्वास दे रहे हैं वो मेरे ऊपर कर्ज है। जन विश्वास यात्रा के दौरान 4 जिलों में रोड शो उपरांत बिना थके बिना रुके यहां पहुंचने में निरंतर 15 घंटे लगे। कल सुबह फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए और फिर समझिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट की वजह। देखिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सर्वोत्तम माला ऊपर फेंक दीजिए। तो ये 50 सेकंड का वीडियो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टेंशन दे रहा है और टेंशन का ये आलम है दोस्तों कि वो भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं। वो गिरिराज सिंह जो पहली बार चर्चा में आए थे 2014 में, जब उन्होंने कहा था कि भाई जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करेगा उनकी आलोचना करेगा वो पाकिस्तान जा सकता है, अब माननीय ने तेजस्वी यादव के डीएनए पर सवाल किया है। और न सिर्फ तेजस्वी यादव के डीएनए पर सवाल किया है, नीतीश कुमार पर भी हमला बोल दिया है। जी हां, कहने को एक ही गठबंधन का हिस्सा है मगर सिर्फ टव्वल जारी है, गाली गलौज जारी है। इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा दोस्तों, मगर सुनिए क्या कहा गिरिराज सिंह ने। देखिए, जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट भ्रष्टाचार हो, तेजस्वी यादव आरजेडी के उप मुख्यमंत्री के रूप में आए और वो उनका डीएनए है कि लालू जी के पुत्र हैं, लालू जी का ख्याति है घोटालों से जुड़ा हुआ। और ये बता दें कि 18 महीना में 5 विभाग के मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे, कितने लोगों को रोजगार दिया ये तो बता दें। अरे भाग मनावे लालू यादव और नीतीश कुमार, उनको साथ ले लिया, उनका वनवास हट गया, नहीं तो नीतीश कुमार के गलतियों के परिणाम है लालू यादव और तेजस्वी। नीतीश कुमार जी अगर भूल नहीं किए होते आज इनका कहीं अता पता नहीं होता, ये तो मैं कल भी कहा आज भी कह रहा हूं। मैं आपको बस कुछ ही लम्हों में बताने वाला हूं कि आज से 8 साल पहले यही विवाद हुआ था और तब ये बिहार के चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बना था और उस वक्त प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। दोस्तों, आरजेडी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है,
पार्टी के सांसद मनोज झा ने कुछ देर पहले मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि यह बयान निहायत ही घटिया है और कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह ऐसा बयान देकर जो पिछड़ी जातियां हैं उनका अपमान कर रहे हैं। सुनते हो क्या कहते हैं। देखिए, अव्वल तो उनको उनकी जुबान में बोलना मैं समझता हूं कि स्तरहीन हो जाएगा। अशोभनीय अवांछनीय वक्तव्यों के लिए ये व्यक्ति देश ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है। ये तेजस्वी जी के डीएनए पे सवाल नहीं उठा रहे, ये अपनी हताशा का परिचय दे रहे हैं। अभी 20 तारीख से लगातार हजारों किलोमीटर कवर कर चुके हैं। मैं अभी उनके साथ हूं सुपौल में, हम लोगों को पटना से सुपौल आने में 12 घंटे से मैक्सिमम मान के चले थे, हम 18 घंटे में पहुंचे। जो भीड़, जो स्वतः स्फूर्त भीड़, तो वो उसकी वजह से हताश। लेकिन इस तरह की जब घटिया सोच वक्तव्यों से आती है ना, तो सिर्फ तेजस्वी व्यक्ति के लिए नहीं है, एक व्यापक बहुजन प्रगतिशील दलित पिछड़ा लीडरशिप से भी ये परेशान हो जाते हैं। ये एक तरह से जब गाली गलौज वाली शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो इनको लगता है कि उनकी सत्ता के व्याकरण को जो भी कोई चुनौती दे रहा है उसके डीएनए में खोट है। मैं समझता हूं कि गिरिराज जी का डिपार्टमेंट बिल्कुल सुनिश्चित है, उनसे आप झटका पे सुन लीजिए, हलाल पे सुन लीजिए, इंडिया पाकिस्तान पे सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान पे सुन लीजिए, किसी व्यक्ति को संभवतः अधिकारियों को भी पूछिएगा तो उनको गिरिराज सिंह जी का पोर्टफोलियो क्या है केंद्रीय मंत्रिमंडल में पता नहीं होगा, लेकिन ये जरूर बताएगा कि ये व्यक्ति अशोभनीय घटिया बयानों का महाउस्ताद है। तो मैं उनके बयान पर प्रतिक्रिया दे करके उनके महिमा मंडन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मनोज झा जो कि पार्टी के रणनीतिकार भी हैं, उनके तेवरों से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से सुना गिरिराज सिंह को उसमें भाषाई मर्यादा बिल्कुल भी नहीं थी। आप किसी को यह कह सकते हैं कि आप भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मगर अगर आप लूट खसूट को किसी के डीएनए के साथ जोड़ेंगे, किसी की नस्ल, किसी की पैदाइश के साथ जोड़ेंगे, तो यह अपने आप में आपत्तिजनक है। मैं आपको पीछे लेकर चलना चाहूंगा दोस्तों। आज से 8 साल पहले आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था नीतीश कुमार के बारे में और उस वक्त नीतीश कुमार ने उनका क्या जवाब दिया था। 8 साल पहले इनके दोनों बयानात आइए सुनते हैं। एक चाय वेले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। बिहारियों के डीएनए की बात करते हैं, इसका कितना बड़ा इतिहास है, कितना गौरवशाली इतिहास है। और उस वक्त क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। हजारों और लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री कार्यालय को बिहार से लोगों ने अपने बाल काट के, अपने नाखून काट के प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्ट किया था, यह बताने के लिए कि बिहार के डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और यह तस्वीरें उसकी बानगी हैं। यह तस्वीरें थी 8 साल पहले की। अब एक बार फिर तेजस्वी के डीएनए पर सवाल उठाया गया है, जबकि तेजस्वी अपनी तमाम यात्राओं में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भी अशोभनीय बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ जनता से रूबरू हो रहे हैं, वो मुद्दों पर बने हुए हैं, मगर आप भाजपा के नेताओं के तेवर देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त पूरे गठबंधन में यानी कि एनडीए में सिर्फ टव्वल का दौर जारी है। आपके स्क्रीन पर ये हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने आपसे कुछ ही दिनों पहले कह दिया था कि जनता दल यूनाइटेड में 3 कैकई हैं जो नीतीश कुमार को मशवरा देते हैं। देखिए किस तरह से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद। लेकिन नीतीश कुमार के सामने 1 के कई रहे तब तो 2-3 के कई है, और वो दोनों तीनों के कई कहते हैं नीतीश कुमार कुछ और करवाता है उन लोग कुछ। तो जीतन राम मांझी को सुना आपने, इससे पहले आपको याद होगा, तो जीतन राम मांझी को सुना आपने, आपने देखा
किस तरह से गिरिराज सिंह भी कह रहे थे कि लालू और तेजस्वी अगर आगे बढ़े हुए हैं तो नीतीश कुमार की गलती का परिणाम है। यानी कि आप गठबंधन का हिस्सा हैं मगर आप अपनी भावनाएं नहीं छुपा पा रहे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे जैसे हम चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं बयानबाजी ऐसी हो रही है जिससे पता चल रहा है ऑल इज नॉट वेल। अभी विधानसभा में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाया कि आपने अब तक बिहार को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया है, बिहार की जनता को स्पेशल पैकेज की जरूरत है। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बिहार को स्पेशल पैकेज दे। मिस्टर सम्राट चौधरी जो कि उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो पलटवार करते हुए ये कह रहे हैं कि भाई बिहार को तो मदद मिलती रही है। यानी कि कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं और इशारा ये कर रहे हैं कि भैया स्पेशल पैकेज नहीं मिलने वाला। और इस मुद्दे को लेकर भी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में तनाव शुरू हो रहा है। मैं बात नहीं समझ पा रहा हूं दोस्तों, नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारी है पूरा बिहार देख रहा है, बिहार देख रहा है। वो नीतीश कुमार जिन्होंने सड़क पर भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को घसीट घसीट कर मारा था, वो भाजपा की महिला नेत्रियों जिन्होंने नीतीश कुमार के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर दिए गए बयान पर, औरतों पर दिए गए बयान पर बवाल किया था कि उन्होंने औरतों की तौहीन की है, क्योंकि न सिर्फ भाजपा की जो विधायक थी उन्होंने, स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब ने नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर दिए गए बयान पर बवाल किया था कि इन्होंने महिलाओं की तौहीन की है, इन्होंने महिलाओं की बेइज्जती की है। मगर आज वो एक साथ हैं, और एक साथ तो हैं मगर मन नहीं लग रहा है। आपने जितेन राम मांझी को सुना, आपने गिरिराज सिंह को सुना, बौखलाहट इस कदर बढ़ रही है कि उन्होंने तेजस्वी यादव के डीएनए को लूट खसूट से जोड़ दिया है, किसी की पैदाइश पर, किसी की नस्ल पर, और अप्रत्यक्ष तौर पर आप एक व्यक्ति की जाति पर भी हमला बोल रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं और गिरिराज सिंह ने बयान देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और गिरिराज सिंह का इतिहास भी रहा, आप जानते हैं वो अनर्गल बयान देते रहे हैं, 2014 से देते रहे, आज कोई नई बात नहीं है। कहने को मंत्री हैं मगर झटका मीट शॉप का उद्घाटन करते हैं। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील, अपने मंत्रियों को काम दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मंत्री मंत्रालय होने के बावजूद बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, इसलिए झटका मीट शॉप्स का उद्घाटन करते रहते हैं और विपक्ष के नेताओं के बारे में ऐसा अनर्गल बयान देते रहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, आरजेडी से बड़ा मुद्दा बनाने वाली है और इस मंच पर हम लगातार इससे जुड़े घटनाक्रम और राजनीति आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।